सारी खान पीन की सारी समस्या हो रही है जी। कड़ा कितनी दूर आ खेत राम रोटी पानी पूर्ण लिया गया दस दिन हो गए दीरी पड़ी है तीन किलिया की और कोई नहीं खरीदा भुख पाने मर या गवर्नमेंट इसको क्लियर करे कि हमने पीआर दान को नहीं खरीदना। हम तीनों मंडियों के प्रधान थे तो 20 लाख ने हमसे बात नहीं करी। मैंने कह दिया भी भगवान जाने क्यों नहीं खरीदा देरी तक नहीं आंदा कोई नहीं वो नमी है इसमें इसका पहला नमी भी बिकल अगरी भी सारी भी करनी अपना खून सीचा कर्जा चक के फसल बोल 6 महीने में फसल फसल पक के आ गई है। आज उस फसल को कोई पूछ नहीं रहा असली कारण पहला तो ये बोरिए नहीं उठ रही जी। अंदर बड़ा मंडी में कुछ नहीं जगह नहीं मिलती बोरी बारी ऐंडा ढूंग लवा के जो कुछ कर रहा गेरा जाके कोई खरीदार नहीं है जी। तो मतलब कब लेकर आए थे आप धान? 4 दिन हो गए। 4 बिक नहीं आपकी ना थे नंदे क्या कह रहे हैं मतलब रेट कम लगा नमी ज्यादा नमी ज्यादा है तो कितना मॉइस्चर है? मॉइस्चर तो देख देखो नहीं है मैं कहां मॉइस्चर देखो मेरा देख दे नहीं है हाथ थे लांदे वैसे नमी बता हमारे चले जावे मतलब फिर क्या कारण बता रहे हैं आड़तियों से बात करिए क्यों नहीं बिक्री पहले तो ठीक ठाक है पहले तो वो चीका वाले आए 2-3 दिन अच्छी बिकी है कि वो मना करके आ रहे नहीं रहे जी। या कैथल वाले दबा रहे हैं सेलर वाले। अच्छा आज किसानों ने जाम भी लगाया पुरानी मंडी में तो नहीं है नहीं मैं सुनिया लगाया है जी। नहीं तो आप वेट कर रहे हैं कब मतलब खरीदार आए और आपकी और क्या करेंगे बैठे बैठे हमारे तो बैठे हैं इतना नहीं आंदा कोई। हाँ जी नाम बताइए जी आप? मिंद्र है जी। कहाँ से हो? सुजुम्मा। कहीं किलिंग लेकर आए हो? 2। कब लेकर आए थे? 5 दिन हो गए जी। 5 दिन हो गए। कौन सी वैरायटी ले रहे हो? या 14 नंबर है जी। 14 नंबर क्या रेट है? मतलब बिक्री नहीं बिकी? बिकी नहीं जी कोई आंदे नहीं हाथ नहीं लादा रेट कोई रेट नहीं लगाया ना कोई रेट नहीं लगाया आंदे ही नहीं जदे तो मतलब कहीं ना कहीं रहने की खाने की पीने की सारी खान पीन की सारी समस्या हो रही है जी। कड़ा कितनी दूर आ खेत राम रोटी पानी कौन लियावे बच्चे उठे और फसल है उसमें लग रहे ना मजदूर पाते मन तो समस्या घनी हो गई। मतलब क्या सोच गए थे आप अभी कितने दिन में बिक जाएगी? या न्यू थी जी 1-2 दिन में बिक जाएगी बिकनो लग रही थी बिरे नहीं क्या था ये हड़ताल होगी बोरी बरी खड़ी है मंडी ना तो जागा जे लिया कड़ी है तो बोरी बारी उन्हें पर करके फिर ये ऊँ नहीं बिकती उस तो ही बारदाना नहीं उठ रहा उस रेट भी 1800 इस तो उपर लादी नहीं है एक गाहक नहीं है कोई आवा गाहको नहीं है कोई क्यों लगा मैं 1800 आपने पूछा नहीं नहीं वो नमी है क्या इसमें तो इसका पहला नमी भी बिकन लग रही थी सारी बिकन दी वो चीका वास्तव में नमी है या नहीं तो थोड़ी बहुत ही कंपेन की बड़ी है नमी तो आई है जी सब में आवा। अच्छा नमी तो रही इतनी नहीं है लाले इतनी ज्यादा तो क्या रेट है गवर्नमेंट तो बिकनी चाहिए अपनी फिर फायदा क्या है उसका 2 दिन पहला गवर्नमेंट बिकनो लग रही थी जी। इस कारण अपना परेशान है जी हम तो 3 दिन हो गए पड़ी है मतलब 3 दिन हो गए हाँ 3-4 दिन हो गए। कितने एकड़ की ले रहे हो? 4 एकड़ है जी। कौन सी है? 14 है जी। 14 नंबर का भी ग्राहक नहीं है कोई ना जी। क्या रीजन बता रहे हैं हड़ती भी बस नहीं हो कह रहे हैं जी हड़ताल हो रही है अभी ग्राहक नहीं है क्या करेंगे हम कहीं ना कहीं परेशान नहीं है परेशानी बहुत है जी। हाँ तब नाम हुकुम चंद है कौन सा गाँव से? गेहूँ है। अच्छा 10 दिन हो गए जीरी पड़ी है 3 किले की और कोई नहीं खरीदा भुखे बाने मर के। मतलब क्यों नहीं खरीदता? मैंने कह बेरा भी भगवान जाने क्यों नहीं खरीदा डेरी तक नहीं आंदा कोई नहीं गिल्ली लेके आए होंगे आप सूखी पड़ी है देख ले जाकर। कौन सी जीरी ले रहे हो? वो मोटी जीरी है बढ़िया। हाँ बढ़िया जीरी है कोई रेट नहीं लगाया मतलब कोई कुछ नहीं। 3-4 दिन पहले से अच्छी खरीद हो रही थी अभी 2-3 दिन के बेरा भी 2-3-4-5 दिन हो गए तो कोई नहीं आंदा डेरी कराओ तो 3 किले मतलब है। सुरेश कुमार जी कौन सा गांव? गांव ढोर जी। क्या परेशानी है मंडी में? क्या परेशानी जी? कोई गाको नहीं आ रहे जी। क्या कारण है क्यों नहीं आ रहे गाक? कारण के तो मिली भक्ति है जी सेलर लड़ेंगे मिली भक्ति कैसे कैसे ऐसे जी दाने ठाका सुक्की जी रिया पिछला साल भी मैंने कमेटी वाले था मेरी मिक्सचरी पास करा लिया था कमेटी वाले ने तद भी आ कोई बार भी बात नहीं करी भी मारी सरकारी मशीन वहाँ पास हुआ अरीब का तो क्या देखा दे आपकी मतलब धीरे सुखी है जी देखा रात मैंने ये छोड़ दा उस दिन के 3 दिन तो नहीं पड़े उस दिन टीका बोली बंद होगी उस दिन की डेरी नहीं बिक्री है। मतलब क्या सोच के आए थे आप? आप सोच के आए थी मंगाई का तो ठीक आ रहा है मंडी में रेट गवर्नमेंट का दावा की जीरी प्रशासन ने चीके के राइस मिल भेजे थे जी उनके आने से जीरी अच्छे रेट बिकन लग गई थी जी। आप 2 दिन से चीका का बंद कर दिया है आप लोकल जो मिलर है
वो रेट नहीं लगाते जी। क्यों नहीं लगाते? वो इसलिए लगाते क्यों दूसरा गाहक नहीं है, दूसरी मंडी राइस मिल रही है तो अपना जैसे ले लो। लेकिन किसान बैठे हैं, किसान आके मेरे पास आके कहते हैं प्रधान जी आप कराओ। वहाँ पर कमेटी करेगी तो मेरे हाथ में क्या है, मन तो जहाँ ले चलते मैं चलने को तैयार हूँ जी। लेकिन चीका मिलर और कैथल मिलर में हमारी मंडियाँ पिस चुकी हैं। या गवर्नमेंट इसको क्लियर करे भी हमने पीआर धान को नहीं खरीदना, तो किसानों को साफ जवाब दे दें जी। मतलब कोशिश आपने की डीसी से मिलने की? डीसी से मिलने की कोशिश की थी, मंगलवार को मैं गया था जी। हम तीनों मंडियों के प्रधान गए थे, डीसी साहब ने हमारे से बात नहीं करी। क्या बोले डीसी साहब? मैं नहीं बात करता आपसे। मतलब रीजन कुछ ना कुछ था? रीजन पूछा क्या, मैंने नई मंडी के प्रधान जी आपको कहा था अभी इलेक्ट्रिक फैन लगाओ, बड़े झरने लगाओ, आपने मेरी नहीं मानी, मैं क्यों सुनूं आपकी जी। तो मतलब जो वो पंखा बता रहे हैं डीसी साहब, वो मतलब रूल के अनुसार लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? रूल के अनुसार तो लगना चाहिए। फिर क्यों लगा रहे हैं आप लोग? लगा उन्होंने लेबर कहती है, हम नहीं लगाते। कल वहाँ मैडम तहसीलदार मार्केट कमेटी में आई हुई थी, ठेकेदार बुलाया था लेबर का, लेबर का ठेकेदार बोला जी मार पैर ना लगते ना हम लगाते। मतलब कहीं ना कहीं तालमेल में गड़बड़ भी कह सकते हो आप? वो कहते जी हम नहीं लगा सकते। अब इसका मतलब इनका क्या कसूर है किसानों का जो यहाँ? किसानों का कसूर पता क्या है? किसान ने 6 महीने मेहनत करी है, अपना खून सींचा, कर्जा चक के फसल बोई, 6 महीने में फसल पक के आ गई है। आज उस फसल को कोई पूछ नहीं रहा तो फिर क्यों किसान कहाँ जाए? अब किसान तो आके आड़ती कोई पकड़ेगा जी के लाला जी मैंने तो आपके यहाँ डेयरी ले आ दी जी, मेरी डेयरी का ना समाधान करो जी, मिल हो जाए चीका और कैथल वाले मिल के ले लें सारे माल। पहले भी तो बिकते रहे जब चीका आया जी, आप 2 दिन से क्या हो गया, क्या मंदा क्यों आया जी? जे हम किसी को जिम्मेदार कह लाला जी आपकी मिली वक्त है, बोल मेरा रिश्तेदार लग गया भाई राइस मिलर, मैं तो करतल जानूँ ना तो प्रशासन ना लीडर ना एमएलए, जो असली है ना किसान है, लीडर भी एमएलए भी मंत्री भी, और किसान की चलती नहीं, उस एमएलए मंत्री का प्रशासन का क्या फायदा? जब बता रहे हैं डीसी साहब को मिल के आए हैं, एमएलए पे भी गए थे, एमएलए साहब कई बार बार होते हैं, जो एमएलए आ जाए उस पर कहीं डीसी नहीं, हमने तक के हम एमएलए इसलिए बनाते हैं, एमपी इसलिए बनाते हैं कि पब्लिक की सुने, पब्लिक के दुख दूर करें। एमएलए साहब को जनाब जे कोई किसान यूनियन टिकेगी या कोई मंडी आ टिकेगा चल हम चले भी जाते हैं, उसके बाद भी नहीं होया। पहले एक बार मिले नहीं क्या एमएलए साहब को? मिले तीनों मंडियाँ आश्वासन दे दिए, तो हम उनके आश्वासन पे चलेंगे। ठीक है, एमएलए साहब को कैसे थोप दे जी।